जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार बस आने ही वाला है और यह त्योहार लगभग सभी धर्म के लोग मनाते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहनों के लिए बहुत ही खास त्योहार माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि 2023 में रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाने वाला है, 30 अगस्त को या 31 अगस्त को? क्या आप यह जानते हैं कि 2022 की तरह ही 2023 में भी रक्षाबंधन वाले दिन भद्रा का योग बनने वाला है? तो आखिर क्या होती है यह भद्रा और आखिर इस भद्रा में राखी की वजह से कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं और इस साल राखी बांधने की सही तारीख और सही मुहूर्त क्या है और सही पूजा करने की विधि क्या है? दोस्तों, हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि जिस समय रक्षाबंधन में भद्रा का साया होता है, उस समय सभी बहनों को बहुत ही सचेत रहना चाहिए, क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना आपके भाई के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। ऐसे में गुरुजी ने रक्षाबंधन से जुड़ी हुई सभी जानकारियां अपने भक्तों को दी है। इसी के साथ आपको यह भी बता दे कि बागेश्वर धाम सरकार ने अपने भक्तों को रक्षाबंधन के दिन 5 रुपए की एक खास चीज बाजार से लाने के लिए कहा, जिसे लाने के बाद आपके घर में और आपके भाई के घर में धन दौलत के भंडारे भरे जा सकते हैं। तो अगर आप ये रक्षाबंधन के त्योहार से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी जानकारी जानना चाहते हैं और इस रक्षाबंधन को और भी ज्यादा शुभ बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण के महीने की पूर्णिमा वाले दिन मनाया जाता है। भारत में शायद ही कोई ऐसा धर्म होगा जिस धर्म के लोग रक्षाबंधन नहीं मनाते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म के लोग भाई बहन इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। इस त्योहार वाले दिन बहनें जहां अपने भाई के कलाई पर राखियां बांधती हैं और उनके मंगल की कामना करती हैं, वहीं भाई अपने बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। लेकिन बीते कई सालों से हिंदुस्तान के सभी त्योहारों के साथ रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में भी कई मतभेद बताए जाते हैं। पिछले साल की तरह ही इस बार भी रक्षाबंधन के त्योहार में भद्रा का साया रहेगा। दोस्तों, इस साल भद्रा के साया की वजह से बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि 30 तारीख को राखी मनाए या 31 तारीख को मनाए। लेकिन ऐसे में गुरुजी का कहना है कि हिंदू पंचांग के हिसाब से इस बार सावन मास की पूर्णिमा 30 अगस्त 2023 को सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी और 31 अगस्त को 7:46 पर इस तिथि का समापन होगा। लेकिन गुरुजी का कहना है कि इस दिन पूर्णिमा तिथि शुरू होने के साथ ही भद्रा का आरंभ भी हो जाएगा। ऐसे में भद्रा काल का समय रात को 9:01 तक रहेगा और पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि ऐसे तो राखी दोपहर में बांधनी चाहिए, लेकिन अगर दोपहर में भद्रा का समय है तो प्रदोष काल में राखी बांधनी चाहिए। लेकिन 30 अगस्त वाले दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कहीं पर भी नहीं है, इसलिए आप चाहे तो 31 अगस्त को सुबह 7:46 के पहले राखी बांध सकते हैं। दोस्तों, अब आपको बता दे, भद्रा शनि देव की बहन है और भद्रा को ब्रह्मा जी से श्राप मिला है कि अगर कोई व्यक्ति भद्रा काल में कोई भी मंगल कार्य करता है तो उसे अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसे में गुरुजी का कहना है कि अगर बहनें अपने भाइयों का भला चाहती हैं और उनके ऊपर कोई भी संकट नहीं आने देना चाहती हैं, तो भूल कर भी भद्रा काल में अपने भाइयों को राखी ना बांधे। इसी के साथ गुरुजी का कहना यह भी है कि बहनों को भाइयों को राखी बांधते समय कुछ खास उपाय भी जरूर करने चाहिए। जैसे कि अगर आप अपने भाई के लिए राखी लेकर जा रही हैं, तो ध्यान रखें कि काले रंग की राखी बिल्कुल भी ना लेकर जाए, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता का भी प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आप काले रंग की राखी लेकर जाती हैं या फिर खुद काले रंग के कपड़े पहनकर रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाई को राखी बांधने जाती हैं,
तो ऐसा करने से नकारात्मकता का प्रभाव आपके भाई के जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें कि रक्षाबंधन वाले दिन आप किसी भी चीज में काले रंग का इस्तेमाल न करें। इसी के साथ गुरुजी का कहना यह भी है कि आजकल देखा गया है कि पहने रक्षाबंधन वाले दिन भाइयों के लिए मिठाई की जगह और भी सभी चीजें लेकर जाती है। आज के जमाने में मिठाई खाना कोई पसंद नहीं करता है, इसलिए त्योहार वाले दिन मिठाई ले जाने का चलन भी बंद होता जा रहा है। लेकिन गुरुजी का कहना है कि त्योहार वाले दिन अगर बहनें अपने भाइयों के लिए मिठाई लेकर जाती हैं, तो ऐसा करने से ना केवल आपके भाइयों की जिंदगी में मिठास घुलने लग जाती है, बल्कि आपके और आपके भाई के बीच का प्रेम भी बढ़ता है। ऐसे में कोशिश करें कि रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाई के लिए कुछ मीठा जरूर लेकर जाएं। ऐसा करने से आपके बीच का प्रेम बढ़ेगा और आपके भाई की रक्षा भी होगी। इसी के साथ गुरुजी का कहना यह भी है कि महिलाओं को रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाइयों की नजर भी जरूर उतारनी चाहिए। कहा जाता है कि जो बहन राखी वाले दिन अपने भाई की नजर उतार देती है, उस भाई की सारी बलाएं बहन नजर के साथ उतार कर बाहर फेंक देती है। बहनों को भाइयों की नजर उतारने के लिए गुरुजी ने एक खास उपाय भी बताया है। उनका कहना है कि आप 7 लाल मिर्च लीजिए, साथ ही में थोड़ी सी आटे की भूसी, थोड़ी सी काले रंग की राई, थोड़ा सा नमक लेकर अपने भाई के ऊपर से कम 21 बार उतारा कर लीजिए। उसके बाद आप एक दीपक में थोड़ा सा कपूर जलाइए। उस कपूर में यह उतारा करा हुआ सामान जलाकर घर के बाहर रख दीजिए। जो बहनें रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाई की नजर इस तरीके से उतार देती हैं, उनके भाई के जीवन भर किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का विपरीत प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। इसी के साथ गुरुजी का कहना यह भी है कि बहनों को रक्षाबंधन वाले दिन 5 रुपए की खास चीज जरूर खरीदनी चाहिए। तो कहा जाता है कि रक्षाबंधन वाले दिन अगर आप अपने भाई के लिए राखी के साथ मौली भी लेकर जाती हैं और इस मौली को 7 बार या 11 बार अपने भाई की कलाई पर बांध देती हैं, तो ऐसा करने से आपके भाई के ऊपर आने वाली सभी मुसीबतें अपने आप खत्म हो जाती हैं और किसी भी मुसीबत से बचने का रक्षा सूत्र भी आपके भाई की कलाई पर बंध जाता है। तो इस बार अगर आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने जा रही हैं, तो साथ में कलावा जरूर लेकर जाए। इसी के साथ गुरुजी ने 5 रुपए की एक और चीज अपने घर में लाने के लिए कहा है। गुरुजी का कहना है कि पौराणिक मान्यताएं हैं कि रक्षाबंधन वाले दिन सभी घरों में दीवारों पर सोना सोनी काढ़े जाते हैं। यह सोना सोनी कुछ और नहीं होते, गेरू से बनी हुई एक खास आकृति होती है। इस आकृति में घर की महिलाएं घेवर, स्वास्तिक, ओम या फिर सैरती की तस्वीर बना देती हैं। उसके बाद इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर चिपकाया जाता है और रक्षाबंधन वाले दिन राखी बांधने से पहले इन्हें सोना सोनी की पूजा की जाती है। तो सोना सोनी की पूजा करने के लिए एक विशेष तरह की राखी आती है जो पीले रंग के धागे होती है, इनमें गुलाबी रंग की कपास लगी होती है। तो दोस्तों, अगर आप रक्षाबंधन वाले दिन घर में सोना सोनी बनाकर कपास लगे हुए ये पीले धागे ले आती हैं और घेवर के साथ चिपका कर इन्हें सोना सोनी पर लगा देती हैं, तो ऐसा करने से आपके घर के नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए घर से बाहर हो जाती है। आपके घर के लोगों के तरक्की के दरवाजे खुलने लगते हैं और आप अपने जीवन में लगातार तरक्की करते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार।